अंग्रेजी उपनिवेश से भारत की स्वतंत्रता मिली वह वास्तविक नहीं थी बल्कि अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच एक ऐसा समझौता था जिसमें कुछ शर्तों के साथ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। कांग्रेस में भी आम जनमानस की दृष्टि में देश का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए था, लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया। एक लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस शासित देश में चाटुकारों का बोलबाला रहा और उन्हीं के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को अपने अनुसार लेखन किया गया। 15 अगस्त को आज़ादी नहीं मिली जबकि देश इस असत्य से अब भी परिचित नहीं हो पाया। आज वास्तविक परिचय कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं सत्य को छिपाती हैं, सत्य बोलने का साहस नहीं करती, वो स्वतः नष्ट हो जाती हैं। आज कांग्रेस की वही स्थिति है। उक्त बातें दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ राष्ट्रवादी विचारक व पत्रकार नई दिल्ली ने युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन अवसर पर राष्ट्रवाद के समक्ष चुनौतियां विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया क्योंकि एक संदिग्ध व्यक्ति जो सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे नेतृत्व को नकारता रहा उसे राष्ट्रपिता कैसे कहा जाए। उन्होंने महर्षि वेदव्यास को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकारा। उन्होंने वीर सावरकर के योगदान को भी सराहा। उन्होंने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हुए कहा कि जब समाज व राष्ट्र सरकारों पर निर्भर हो जाती है उसी समय राष्ट्र समाप्त हो जाता है, इसलिए आज के युवा करियर की चिंता किए बिना सत्य सुने और सत्य बोले, अन्यथा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें मजहब और धर्म में अंतर समझना होगा। धर्म को उन्होंने कर्तव्य और दायित्व से जोड़ा। हमारे संस्कृति में धर्म कर्तव्य बोध का परिचायक है। उन्होंने मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों विसंगतियों से प्रभावित हो रहे सनातन धर्म को बचाने की बात कही क्योंकि उनके धर्म में शांति की कोई जगह नहीं है, जबकि सनातन धर्म विश्व शांति की बात करता है। सनातन का अर्थ विज्ञान है। उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े आस्था के केंद्रों एवं प्रकृति पूजा को वैज्ञानिक बताया और भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंगों का रेडियो सेंसिटिव रेंज को कम करने के लिए स्थापित माना और पीपल के वृक्ष के रूप की महत्ता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मुगलों और अंग्रेजी शासन से लंबे समय तक प्रभावित होती रही हमारी संस्कृति के वैभव को फिर से लाने एवं लोगों में चेतना को जागृत करने में गोरक्षपीठ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस पीठ से जुड़े संतों ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया और सनातन धर्म संस्कृति का संरक्षण किया। इस पीठ से जुड़े वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति दृढ़ संकल्प होकर सुशासन स्थापित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर एस तोमर, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने कहा कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता और ज्ञान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। गुलामी के समय विदेशी आक्रांताओं ने इस पर आघात पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सत्यपाल सिंह एवं आभार ज्ञापन प्रोफेसर अर्चना सिंह ने किया। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव सिंह, प्रोफेसर परीक्षित सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शशि प्रभा सिंह, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अरुण तिवारी सहित महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, द्वारा हजारों चाटुकार पैदा किए गए हैं इसलिए वो सच नहीं बोल रहे। जिन लोगों को आज खबरों में से निकाल करके जिनकी मूर्तियां गिराने हैं हमारा नंबर एक जी में होगा। एक शख्स है, आए बढ़ाए सब सरकारों की मजबूरी है क्योंकि इस देश में हमें आज पता चला कि मार्केटिंग होती है। भारत माता
करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि नौकरी चली जाएगी। कहीं 10 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच, लाखों लोगों के बीच हम इस बात को सच कहेंगे, भले ही उसमें से कुछ लोग मेरा विरोध करें, मेरे बारे में राय बनाएं। ऐसी हुई है जो आज की संचार क्रांति के कारण करोड़ों दूर कोई घटना घटती है इनकी उंगलियों पे पहले पता चल जाता है। और अगर मैंने कोई तथ्य गलत रखा तब तो सब तक ठीक है, और जब सनातनी अपने इतिहास के बारे में जानने लगे तो कहेंगे कि साहब इस देश में जो है बहुत हालात हिंदू कट्टर हो गया है। अगर सच बोलना महत्वपूर्ण है जिससे राष्ट्र बचे, जिससे परिवार बचे, अपने आप को महान बताने की यह परंपरा भारत में बहुत 1400 साल पहले जो लोग अरब में ऊंट की बर्बादता को देखे, पूरे देश में चौराहे चौराहे वो उठ के वैसे ही खड़े होंगे, वैसे ही खड़े होंगे। ये घटना इसलिए आपको बताना चाहता हूं, वो भारत से व्यापार करती थी, वहां से तमाम सारी चीजें आती थी और 6 महीने के बाद ऊंटों पे फिर दोबारा सवार थे तब उनका पेमेंट होता था। आभार प्रकट करना चाहिए जिनके कारण हमारे चूल्हे चलते थे। रूपेश पांडे को मार करके ये 90 से 95 करोड़ सनातनियों को डरा नहीं सकते। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ के नाम पे उनकी स्मृति में यह महाविद्यालय चूँकि उनके नाम से है 7 दिनों का एक स्मृति व्याख्यान माला चलाया। इसमें प्रतिदिन अलग अलग वक्ता और मुख्य अतिथि आए। इन 7 दिनों में 5 वाइस चांसलर विभिन्न विश्वविद्यालयों के हमारे बीच आए जिनका मार्गदर्शन हमको मिला। आज उसका समापन सत्र था। इस समापन सत्र में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर.एस. तोमर सर थे और प्रख्यात राजनीतिक विचारक प्रखर वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। आज हमारे विद्यार्थी बड़े अनुशासित ढंग से और हजारों की संख्या में उनके व्याख्यान से लाभान्वित हुए और इसी के साथ 7 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम संपूर्ण महाविद्यालय के सहयोग से सहभागिता से आज संपन्न हुआ। सर, दिग्विजयनाथ जी के बारे में थोड़ा बता दें। महंत दिग्विजयनाथ जी सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे और एक गोरक्षपीठ के महंत ही नहीं थे, बल्कि उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरफ उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक चेतना का प्रसार किया और उन्हीं के चेतना के प्रसार का परिणाम रहा कि असहयोग आंदोलन के दौर में चौरी चौरा कांड हुआ,
चौरी चौरा कांड के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा का दौर उस समय चल रहा था, तो राष्ट्रीय शिक्षा को अपने यहाँ विकसित करने के लिए इस पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्र को उन्होंने चुना और इस शैक्षिक मरुभूमि में उन्होंने ज्ञान गंगा को प्रवाहित करके आधुनिक भगीरथ की भूमिका निभाई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को 1932 में स्थापित करके उन्होंने एक शुरुआत किया। आज वो बटवृक्ष का रूप ले चुका है और 50 संस्थाएं जिसमें कि प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय तक समाहित है, आज एक बड़े स्वरूप में आपके सामने है।